कहता मुख्यमंत्री में अब बात उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे जाति के आधार पर चलने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि भूतकाल के जख्मों को वर्तमान के मरहम के जरिए भर दिया जाएगा, भविष्य में समर्थन की गलबहियां पाली जाएंगी। तो क्या पार्टियां जातिगत आधार पर समीकरणों को साधने के मंथन में लगी है? आज बात बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक की जो महादलित कार्ड पर टिका हुआ है। लेकिन महादलित कार्ड क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में चुनावी मंथन जारी है और इस जारी मंथन के बीच में बीते कुछ महीनों में फैले आक्रोश को दूर करने की भी कवायद, क्योंकि बीते कुछ महीनों में ना सिर्फ दलित वोट बैंक बीजेपी से नजर आया, 2 अप्रैल को देश बंद का आह्वान करता नजर आया, बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलता नजर आया, तो वहीं राजपूत समाज फिल्म पद्मावत को लेकर नाराज नजर आया। लेकिन क्या चुनाव के नजदीक आते आते बीजेपी उन मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल करने लगी है जो चुनाव में ब्रह्मास्त्र की भूमिका में दिखे और बीते वक्त के जख्म को वर्तमान के मरहम से भरकर चेहरे पर मुस्कान को वोट बैंक में बदल दे? राजपूत समाज को साधने के लिए सभी राजपूत नेता आए सामने, कर्मचारियों को साधने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है, दलितों को साधने के लिए भी बीजेपी मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में। जी हाँ, दिल्ली दरबार में जीत के मंथन के बीच में ये चर्चा जोरों पर है कि दलित वोट बैंक को कैसे साधा जाए। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की नजरें इन पर टिकी है तो दूसरी तरफ बसपा भी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इस बीच हनुमान बेनीवाल भी बसपा से गठबंधन करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी मास्टर स्ट्रोक चल सकती है टिकट वितरण में, महादलित कार्ड चल सकती है बीजेपी, अलवर ग्रामीण या बगरू में मिल सकता है वाल्मीकि समाज को मौका। इस बार मेघवाल, बैरवा, जाटव, ब्रैगर, कोली को मिल सकता है मौका। कुछ नामों पर हुआ है गहन विचार विमर्श। राजस्थान में वैसे भी कहा जाता है कि SC ST राजपूत और जाट में से किन्हीं दो को साथ लिया तो राजस्थान की सत्ता को बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है और इसी मास्टर स्ट्रोक को चलने की तैयारी में बीजेपी लगी है। लेकिन क्या सच में महादलित कार्ड को बीजेपी खेलने की हिम्मत कर पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल भी आया था, यानी दलित आंदोलन के विरोध में सवर्ण आंदोलन। अब देखते हैं कि सियासत को साधते साधते विकास के वादों के बीच में जातियों को कैसे साधा जाए कि जीत हासिल हो। ये दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।